दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश के कोल ट्रांसपोर्टेशन और तेंदुपत्ता संग्रहण को लेकर आज विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री से प्रश्न करते हुए गारे पालमा कोल ब्लॉक रायगढ़ के कोल ट्रांसपोर्टेशन के रेट और टेंडर में भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, सामान्य प्रक्रिया के अनुसार जो निविदाकार होते हैं उनकी संख्या 3 है, जबकि नियमों की अनदेखी कर 2 के बीच ही टेंडर को ओपन किया गया। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2x दर पर टेंडर दिया गया जो SECL के रेट से कई ज्यादा है। तो आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। आज मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल था, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा गारे पलमा कोल ब्लॉक रायगढ़ के कोल ट्रांसपोर्टिंग हेतु निविदा जो जारी की गई है उसमें हुए भ्रष्टाचार के संबंध में मेरा प्रश्न है। सामान्य प्रक्रिया है, जब कोई टेंडर प्रक्रिया होती है और टेंडर प्रक्रिया में वो चाहे 1 करोड़ का हो, चाहे 10 करोड़ का है, चाहे 1000 करोड़ का हो, जो निविदाकार होते हैं उनकी संख्या सामान्यतः 3 होनी चाहिए। मंत्री जी ने जवाब में दिया कि 4 लोगों ने निविदा डाली, 2 डिस्क्वालीफाई हो गए, बच गए 2, और जो बाकी 2 ही बचे उनके बीच में ही टेंडर को ओपन किया गया। और उस टेंडर की प्रक्रिया में भी हमारी आपत्ति है कि जब तक 3 लोगों के टेंडर में उपस्थिति ना हो तब तक टेंडर नहीं खोला जा सकता। इसमें नियम कानून प्रक्रिया को ताक में रख के काम किया गया है। ट्रांसपोर्टिंग के संबंध में एक गाइडलाइन जारी हुई है और किसी भी ट्रांसपोर्टिंग को लेकर मापदंड जो होता है वो हमारे साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड ने किस दर में कितने किलोमीटर की ट्रांसपोर्टिंग का दर होगा वो एक नोटिस जारी किया है। और साउथ ईस्ट कोल फील्ड छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टिंग करने वाली कंपनी है और उसी के गाइडलाइन के आधार में बाकी जगह की टेंडर की प्रक्रिया खुलती है और उसका एक उदाहरण सामने रखा जाता है। तो साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड ने जो नोटिस जारी किया है उस नोटिस के अनुसार 10-20 किलोमीटर तक 116 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से ट्रांसपोर्टिंग होना चाहिए, यानी 40 किलोमीटर ट्रांसपोर्टिंग के लिए 232 रुपया होना चाहिए मैक्सिमम रेट। मगर मुख्यमंत्री जी ने मेरे प्रश्न के जवाब में बताया कि 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर की ट्रांसपोर्टिंग के लिए 466 रुपया प्रति मैट्रिक टन कोल ट्रांसपोर्टिंग के लिए घरघोड़ा रेलवे साइडिंग के लिए दिया गया और 80 किलोमीटर के लिए 683 रुपया। जब साउथ ईस्ट कोल फील्ड कहता है कि ये पूरी ट्रांसपोर्टिंग जो 40 किलोमीटर के अंदर है जिसमें 466 किलो रुपया दिया गया है ये 232 रुपया में हो सकता है, लोकल ट्रांसपोर्टर पूरे कोरबा के और पूरे उस इलाके के रायगढ़ के और पूरे छत्तीसगढ़ के ट्रांसपोर्टर कहते हैं कि साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड के रेट में हम काम करने को तैयार हैं, 211 रुपये में उपलब्ध होने के बाद भी 466 रुपया 40 किलोमीटर की दर के रेट में ट्रांसपोर्टिंग का काम दिया गया। मेरा प्रश्न सीधा सीधा यही है और ये प्रश्न मैंने मंत्री जी से पूछा कि 40 किलोमीटर में 225 रुपया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये 210 रुपया जो अतिरिक्त पैसा जा रहा है वो किसके खाते में जा रहा है? अरबों खरबों रुपया का लेन देन हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला इसमें हुआ है और इसे हमने कहा था कि विधायकों की समिति से इसकी जांच करा ले इस मामले में। और दूसरा मैंने विषय रखा था कि इस पूरे प्रक्रिया में रीटेंडर करने का इससे बड़ा बेहतर केस नहीं हो सकता, उदाहरण नहीं हो सकता। जब हमारे पास गाइडलाइन मौजूद हैं रेट के बारे में, क्लियर कट स्पेसिफिक गाइडलाइन तैयार है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने रीटेंडर करने से या जांच करने से इनकार कर दिया। मैंने आरोप लगाया है कि इसमें कई जो ट्रांसपोर्टिंग का काम दिया गया है वो छत्तीसगढ़ के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के खाते से कई अरबों रुपया का नुकसान होगा। जय हनुमान एल्यूमिनियम, प्रगति टावर के सामने बहतराई रोड बिलासपुर। हमारे यहाँ एल्यूमिनियम के पार्टीशन, सेक्शन गेट, जाली, बॉम्बे स्लाइडिंग, 3 स्लाइडिंग, ग्लीचिंग गेट, चौखट आदि का कार्य उचित मूल्य पर प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा किया जाता है। संपर्क करें 9479088874।
9589051800। जय हनुमान। पूजा सामग्री स्टोर, हमारे यहाँ लाल चंदन, हवन सामग्री, नवग्रह लकड़ी, घी, शहद, गंगाजल, कपूर एवं सुगंधित अगरबत्ती, उचित दर एवं विशेष छूट पर पूजा की सभी सामग्री उपलब्ध है। विशेष छूट का लाभ अवश्य उठाएं। संपर्क करें 9479088749589051800।